हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आई हूँ आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेकर, और उसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट्स होता क्या है, गेट्स के बारे में आपको पता है? गेट क्या होता है? गेट में हम क्या करते हैं, सिंपल एंटर करते हैं और आउटपुट, आउटपुट मीन आउट होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट। सेम चीज़ लॉजिक गेट्स में भी होती है। लॉजिक गेट्स में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि उसमें मैनी इनपुट होते हैं लॉजिक गेट, बट आउटपुट इज ओनली वन। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तो हमारे पास तीन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट इज नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का मीनिंग होता है लाइक इन्वर्ट करना। इन्वर्ट मीन जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे पहली बात, लॉजिक गेट्स जो हैं वो बुलियन एल्जेब्रा पर वर्क करते हैं, क्योंकि बुलियन एल्जेब्रा पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, बुलियन एल्जेब्रा का मतलब क्या है, वैल्यू ऑलवेज विल बी जीरो एंड वन। अब जीरो का मतलब हो गया ऑफ, वन का मतलब हो गया स्विच ऑन। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले अपने नॉट गेट पर। नॉट गेट में क्या होगा, नॉट गेट में, नॉट गेट का मीनिंग होता है इन्वर्ट करना। इन्वर्ट मीन वैल्यू ऑलवेज ऑपोजिट। अगर हमारे पास वैल्यू जीरो है तो आउटपुट जो हमको मिलेगा वो वन मिलेगा, और अगर हमारे पास इनपुट वन है तो आउटपुट विल बी जीरो। ठीक है, ये हमारी होगी ट्रुथ टेबल। इसमें हमेशा वैल्यू एक ही होती है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है टू टू पावर एन पर। टू टू दी पावर एन पर डिपेंड करता है। टू टू दी पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पर हम नंबर ऑफ इनपुट दो ले सकते हैं, दो या वन। ठीक है, और इनका आउटपुट ऑलवेज विल बी ऑपोजिट। आउटपुट हमेशा ऑपोजिट ही आएगा। अब आते हैं हम अपने नॉट गेट के सर्किटरी डायग्राम पर। नॉट गेट के सर्किटरी डायग्राम में क्या है, जब हम वैल्यू जीरो लेते हैं, ठीक है, जीरो लेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऑफ है, यहाँ से तो जा नहीं पाएगा। दैट मीन्स करंट हमारा यहाँ से होता हुआ यहाँ फ्लो होगा, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, बट अगर हम वैल्यू लेते हैं, अगर हम वैल्यू वन लेते हैं, तो हमारा वैल्यू वन का मीन हमारा ऑफ हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया। तो वैल्यू, तो हमारा जो करंट है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वैल्यू जो है हमारी वो यहाँ पर आकर इन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो करंट है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ फिर उसको यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो पाथ उसका क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ये हुआ हमारा नॉट गेट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम एंड गेट पर। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में, एंड गेट का सिंबल हमेशा क्या होगा, डॉट। इसका मीनिंग मैथ्स में हम लोग इसका मीनिंग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मीनिंग। और इसमें जो ट्रुथ टेबल वैल्यूज होंगी वो भी बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह ही उनको सॉल्व करेंगे, बट हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, इसका सिंबल हमेशा होगा एंड, एंड बोलेंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, पहले हम लोग दो इनपुट पे कॉन्सेप्ट पावर एन वाला, दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर एन मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स, अगर हम लोग नंबर ऑफ इनपुट्स टू ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज की फोर आएंगी। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज फोर लेकर रखी हैं, 2 0 2 1 0 1 0 1। ठीक है, अगर हम लोगों ने पहले दोनों वैल्यूज, दोनों इनपुट अगर हम लोगों ने 0 0 रखे हैं, आउटपुट जीरो। सिंपल चीज़, मैथ मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास 0 0 होता है तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा होता है। सेम चीज यहाँ पर होगी, बट बोलेंगे इसको एंड। ठीक है, अगर अब आ जाते हैं इसको लॉजिकल लैंग्वेज में। लॉजिकल लैंग्वेज में क्या होगा, ये इसका सर्किटरी डायग्राम, अगर हम लोग इसको देखें, ट्रुथ टेबल को देखें और सर्किटरी डायग्राम को देखें, दोनों को कंपेयर करें, क्या समझ में आता है? अगर वैल्यू हम 0 0 लिए तो क्या होगा, सिंपल सी एक एग्जाम्पल लीजिए आप। एक हाईवे है, एक रोड बनी हुई है, हाईवे है, वहां पर क्या है, रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप आराम से चल तो पाएंगे नहीं, है ना? अगर आपके पास बीच में गड्ढे होंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, बट अगर आपको रोड एकदम स्मूथ मिलेगी तो आप स्मूथली चल लेंगे। सेम चीज यहाँ पर आती है, अगर आपको बीच में गड्ढे मिलेंगे, मतलब वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो आप इजिली नहीं चल पाओगे, है ना? बट अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमको वन मिलती है, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, स्मूथली हम चल लेंगे और हमारा बल्ब कर जाएगा, राइट?
सेम चीज हम करते हैं थ्री इनपुट के लिए, थ्री इनपुट के लिए भी वही सेम चीज होगी, बट हमारे पास थ्री इनपुट का मतलब क्या हो गया, वैल्यूज कितनी जाएंगी, ठीक है, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा थ्री इनपुट जैसा टू इनपुट, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग, ये था हमारा एंड गेट, नाउ विल कम टू और गेट, ये होता है हमारा एंड गेट खत्म। अब हम आते हैं और गेट पर, और गेट में क्या होता है, और गेट का सबसे पहले सिंबल क्या होता है, प्लस का सिंबल, ठीक है, बट हम इसको प्लस नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन पूरा होगा, वैल्यूज जो होंगी वो कैलकुलेट होंगी एडिशन की तरह ही, बट हम इसको प्लस ना बोलकर और बोलते हैं, ठीक है। और गेट में भी सेम चीज होगी, टू टू दी पावर एन कॉन्सेप्ट में वर्क करेगा, अगर आप वैल्यूज टू ले रहे हैं तो आउटपुट हमेशा, तो हमारे पास जो वैल्यूज हो जाएंगी वो फोर हो जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज फोर होंगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम अपनी सर्किटरी डायग्राम और ट्रुथ टेबल दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि और गेट क्या बोलता है। और गेट में क्या है, अगर हम दोनों वैल्यूज इनपुट की दोनों वैल्यूज जीरो जीरो लेते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, और अगर हमने एक वैल्यू वन ले ली, अगर एक वैल्यू वन ले ली तो हमारे पास अगर ये वाला रास्ता खराब है तो हम इस रास्ते से होकर तो जा सकते हैं ना, सेम चीज़ क्या हो जाएगी, अगर हमने वैल्यू वन ली है तो करंट यहाँ से ना होकर यहाँ से चला जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। सेम चीज़ क्या है, अगर हमने वैल्यू यहाँ पर वन ली है, यहाँ जीरो, तो भी क्या होगा, करंट यहाँ से ना होकर यहाँ चला जाएगा, बल्ब तब भी ग्लो करेगा, और अगर हमने वन लेकर, दोनों ही वन लेकर रखी है तो फिर हम कहीं से भी जा सकते हैं, करंट हमारा इजीली जाएगा और बल्ब हमारा फ्लो कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे बेसिक गेट, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल बटन दबाना मत भूलिए।